दिल्ली कॉलोनी वाले घर पे 639 नंबर मकान होगा, वहाँ से ये अपनी दुकान खाली कर दे। तो कुछ पैसे का लेन देन भी था और ये भी नालाबाद विदर्भा था कि इन दोनों के आपस में संबंध है, तो इस कारण से ये वाली कहा सुनी हुई। आरोपी को ये ब्लैकमेल कर रहे थे पैसे सुनिए। देखिए, ब्लैकमेल कर रहे थे या इसका जायज पैसा था, ये रेलेवेंट फैक्ट नहीं है। रेलेवेंट फैक्ट ये है कि पैसे को लेकर कहा सुनी हुई, इनके आपसी संबंध थे। महिला खुद चल के इसके बर्मीज कॉलोनी के ठिकाने पर आई थी और वहाँ पर इनकी जो कहा सुनी हुई उसके कारण से ये शराब के नशे में रहा होगा, तो उसने गला दबाकर हत्या कर दी। क्या सबका रोल है क्या? ऑडियो कर दिया ना शुरू कर लिया गया है। किस तरह से बच्चे गए क्वेश्चन? ये दिनांक 12 तारीख के शाम को इतला मिली थी थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में कि श्री विजय शर्मा ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उसके निवास में, जो कि 32 सिंधी कॉलोनी है थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर में, कि वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए थाना ट्रांसपोर्ट नगर और सर्कल आदर्श नगर ने टीम गठित की। उसके मर्डर के अलामत वहाँ पे गए, विभिन्न तरीके की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच एफएसएल वगैरह करवाई गई और इस तरह से अलामत सामने आए कि ये एक महिला है जो कि 51 साल के आसपास है और नेचुरल डेथ नहीं है। सारे अलामत थे कि मर्डर किया गया है, तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या कारण रहे होंगे और मर्डर किसने किया गया होगा। तो इस पे नतीजा दिया गया है, इसका मर्डर किया गया था अशोक सिंधी नाम का एक मुलजिम है, जिसको कि ज़िला करौली से दस्तयाब किया गया है। सामने इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि ये जो अशोक सिंधी और महिला थे, ये पहले आपस में जान पहचान के थे, इनके आपस में संबंध थे, तो ये पहले साथ भी रहे थे इसी लोकेशन पे। उसके बाद ये लोग किसी सिंधी कॉलोनी से दूर सिंधी कॉलोनी में ही रह रहे थे, जहाँ पर ये अपना कोई गैस चूल्हों वगैरह का काम करता था अशोक सिंधी। इनसे कुछ संबंध भी उनके स्थापित हो गए। कुछ समय बाद ये वापस से पुरानी लोकेशन पे आए, जो कि बर्मीज कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर ये विजय शर्मा का घर है। तो विजय शर्मा कहीं किसी निजी कार्यवश बाहर गए हुए थे और उनके कमरे को यूज़ किया गया, इन दोनों ने मिलने का एक स्थान बनाया और वहाँ पर किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके कारण से इस महिला का गला दबाकर हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद हत्यारा अशोक सिंधी अपने जयसिंहपुरा कोर्ट के निवास स्थान पर चला गया। जब उसको इतना मिली कि पुलिस पीछा कर रही है, इस तरीके से उसका पीछे लगी हुई है, तो वो अपने घर पे ताला वाला लगा के ज़िला करौली में जाकर छुप गया। कई सारे अलामत मिले, कई सारी सूचनाएं प्राप्त हुई, तो पुलिस ने रात भर में उसको लाकर वहाँ से दस्तयाब किया है। अब आगे का अनुसंधान जारी है।